My cricket crush was Yuvraj Singh. एक्चुअल कुकिंग नहीं कर सकता हूँ मैं, नहीं आता मेरे से. मुझे बड़ा ये मतलब मुझे आप करके बात कर रहे हो मेरे साथ. ये यार ये चाइनीज लोग ने क्या कर दिया यार, पता नहीं घर पे बिठा दिया पूरे दुनिया को. When I came into the team, my cricket crush was Yuvraj Singh. Okay, but I always wanted to talk to Yuvraj Singh. I always wanted to see how he prepares, what he does and all that. क्योंकि जो युवराज सिंह का रोल था टीम में उसी प्रकार कुछ मेरा भी रोल होने वाला था. फर्स्ट टाइम जब मैं आया था ड्रेसिंग रूम अपने टीम के बस में, तो गलती से जाकर मैं अपने यूपा के सीट पर बैठ चुका था और वहां से मैंने देखा ड्रेसिंग अपने लॉबी से यूपा आ रहे थे पूरे चश्मा वश्मा लगा के. तुम यार मैं ऑलरेडी वहां पर ही थोड़ा सा ये हो चुका था कि यार ओ दैट्स द एंट्री यार, दैट्स द एंट्री ऑफ अ सुपरस्टार. मैं अपने आप से बात कर रहा था. तो उसके बाद जब यूपा अंदर आए बस में, तो मतलब स्वैग से उन्होंने मेरा स्वागत किया. उन्होंने पूछा मुझे कि भाई यू नो मतलब ये पता है आपको किसका सीट है? मैंने बोला नहीं पाजी मुझे नहीं पता. तो आपने इशारा किया कि बॉस ये मेरा सीट है, तो आप कहीं और जाके बैठिए. तो मैंने बोला ठीक है. उसके पहले मुझे एक्चुअली आरपी सिंह बैठा था मेरे पास में बगल में. उन्होंने मेरे को बताया कि भाई ये सीट पे मत बैठ, खतरा है. उसने बताया नहीं मुझे किसका सीट है यार. उन्होंने उसने यही बताया कि यार ये सीट पे खतरा है, मत बैठ यहाँ पर. बट एनीवे पाजी यार, दैट वाज दैट. इट्स बीन अ लॉन्ग टाइम सिंस देन एंड वी हैड अ ग्रेट रिलेशनशिप आफ्टर दैट. जब हम छोटे थे तब हम सुनते थे कि कैसे दादा ने आपको यूपा को बैक, वो जो आप लोग का ग्रुप था, जो कोर ग्रुप था उस टाइम पे, जो यंगस्टर करके आप लोग आए थे उस टाइम पे, आप लोग को बनाया, आप लोग को बैक किया, फिर उसके बाद आप लोग ने डिलीवर किया. वैसे ही आई थिंक हम लोग को भी इस बार करना चाहिए. एंड आई थिंक वो लगे हुए, वो प्रोसेस चालू है. सो होपफुली जो भी लड़के को बैक किया जा रहा है और जो भी लड़के को मौका नहीं मिल रहा है या जिसको मौका ज्यादा मिल रहा है, उसको रिस्पॉन्सिबिलिटी दोनों मतलब वो दोनों डिपार्टमेंट में रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी पड़ेगी आने वाले कुछ समय में. हमें पता है कि 3 वर्ल्ड कप है, 2 T20 वर्ल्ड कप है और एक 50 ओवर का वर्ल्ड कप है. तो ये 3 वर्ल्ड कप में एटलीस्ट मेरा तो गोल ये है कि 2 वर्ल्ड कप तो जीतना चाहिए अपने को. छोटी सोती है कभी 9:30 बजे, कभी 10 बजे, कभी 10:30 बजे. कल रात को उसका लेट हो गया था काफी, वो 10:30 बजे सोई. बट वैसे 9 से 10 के बीच में सो जाती है वो, रात में उठती है बीच बीच में. अच्छा हाँ. और उसका कहते हैं कि ध्यान कौन रखता ज्यादा, तुम या रितिका? हम दोनों रखते हैं, बट रितिका ज्यादा ऑब्वियसली. आपको आपको पता है मैं जब एक बार सोता हूँ तो यार मैं रात भर उठता नहीं हूँ. कल कितने बजे उठा था तू? कल नहीं मैं उठ तो मैं सुबह को जल्दी जाता हूँ. सुबह जल्दी जाता हूँ, 8 से 8:30 बजे उठ जाता हूँ. फिर उसके बाद हम खेलते हैं उसके साथ थोड़ी देर. उसका रूटीन हमने अच्छा बना के रखा हुआ है अभी यहाँ पर. बुला ले. नहीं नहीं थोड़ी देर के लिए मैं अगर थोड़ी देर के लिए मैं गायब हो जाता हूँ ना तो वो रोने लगता है. अटैचमेंट अभी काफी हो गया क्योंकि पिछले एक महीने से घर पे ही हूँ ना मैं तो. So she is daddy's girl or mama's girl? Actually both. She loves both. Okay. Hi. Hello, Tamaya. Say hi, Baba. Ba. Hi. Ba. Ba. No, Ba. How are you? How are you? Ba. Ba. Give flying kiss. Kiss it. Thank you. ये इधर एक guest, एक है इधर guest. इसको इसको देख, इसको इसने आज तक किसी का इमिटेट नहीं किया, बट तेरे को बराबर करेगी वो.
Hello. What does Boom Boom do? Hi. Bowl. Boom Boom bowls like that? How does Boom Boom? How do I bowl? No. No? Bye. She's feeling shy now. Bye, bol diya tere ko. ye thank you ho gaya mera. How does Boom Boom bowl? Show me how does Boom Boom bowl, Baba. Like that? Ooh. Oh. That. वो शायर हो गई है. नहीं वो शायर है भाई. वो सबसे पहला उसने क्रिकेट का किसी का एक्शन किया है तो वो तेरा किया है. अच्छा है ना, उसकी चॉइस अच्छी है. बहुत बढ़िया, अच्छा बॉलर सिलेक्ट किया उसने. हाँ, उसको बोला बॉलिंग बॉलर नहीं बनना चाहिए यार, अगर बनना ही है कुछ तो बैट्समैन बन जा. पर क्रिकेटर क्यों बनवा? अरे नहीं, मैं भी मानते हैं यार, उसको क्रिकेट विकेट कुछ नहीं खिलाना है मुझे. जो करे नहीं, तो जो मर्जी, जो मर्जी. तो क्या यार, अभी एक साल डेढ़ साल की है यार. तो काफी कारनामे किए आपने रोहित शर्मा मेरे. जब आप 20 साल की उम्र से इंडियन टीम में आए हैं और आप मेरे सामने बड़े हुए हैं जी, और 20 साल से लेके 30 साल तक मैंने आपकी हर एक चीज देखी है. और मैंने उस टाइम मैंने भविष्यवाणी की थी कि इन सब जितने भी ये यंग लौंडे हैं से मैच्योर रोहित शर्मा होगा, अगर आपको याद हो तो. लकीली वो बात सही हुई आज कि वो मेच्योरिटी आज सबसे ज्यादा आप में दिखती है. और आप अपनी क्रिकेट को इस लेवल से यहाँ से अलग लेवल पे जा चुके हैं. सो इट्स ग्रेट टू सी. मुझे बड़ा ये मतलब मुझे आप करके बात कर रहे हो मेरे साथ. अभी मैं इंस्टाग्राम पे बात कर रहा हूँ ना, तो थोड़ा वो रिस्पेक्ट देनी पड़ती है. अजी ठीक है यार, उसमें क्या है. मैं तो अभी बुमराह से बात कर रहा था, ऐसी बात कर रहा था टाइम पास. सरदार पोचा मार रहा है घर में, ही इज लर्निंग. सब लोग वही कर रहे हैं भाजी यार. बट ही इज ऑल्सो अ वेरी हम्बल गाय.